हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर लीग का ईए स्पोर्ट्स लीग का मैच हो रहा है, बार्सिलोना वर्सेस गिरोना के बीच 1:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन। और गाइस, मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, बार्सिलोना टीम को हर तरफ से आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फेवर करके जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी गलत फहमी मत पालो, क्योंकि बार्सिलोना टीम में मानता हूँ कि आज से पहले भी लीजेंडरी प्लेयर खेल के जा चुके हैं और खेल रहे भी हैं, लेकिन फॉर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आज कोई बड़ी टीम फॉर्म में ना हो ना, तो उसको कोई छोटी टीम भी हराने में टाइम नहीं लेती। तो ऐसा है कि टीम ऐसे बनाना कि अगर दोनों तरफ से गोल हो, या गिरोना जीते या बार्सिलोना जीते, लेकिन आप ना हारो, ठीक है। मतलब टीम आपकी डबल साइड होनी चाहिए। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की अभी आउट ऑफ फॉर्म है। जब तक ये बंडसलीगा लीग में था, बहुत इसने गोल किए, राज किया भाई बंडसलीगा लीग में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकर जैसे कि फिर इंजर्ड हो गया था, उसके बाद वो वाला प्रदर्शन नहीं मिला जो एक प्लेयर को करना चाहिए। तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इतना है नहीं, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को खेल खेल के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते। जो नए लड़के हैं ना, किलियन एम्बापे, एर्लिंग हॉलैंड, मानता हूँ वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो ये 37 साल का होगा। तो अब आप खुद समझदार हो कि इतनी अच्छा एक्सपीरियंस है इस बंदे को, कब से खेल रहा है। तो एक्सपीरियंस के बलबूते पे इसको ले रहा हूँ। और जॉव फेलिक्स इसको लेना है, लेकिन स्टोनी और डॉबिक का गोल आ सकता है। अब आप बोलोगे तू कह रहा है तो तू ले क्यों नहीं रहा इन दोनों को, तो मेन रीज़न ये है कि फेलिक्स को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फेलिक्स एक रेयर प्लेयर गिना जाता था पहले, अब मेन की तरह गिना जा रहा है। तो डॉबिक के साथ आपको कुछ रहना पड़ेगा, लेकिन स्टोनी का गोल ना है, मैं भगवान से यही कह रहा हूँ। लेकिन अब आ गया, कुछ कर नहीं पाएंगे हम। इसलिए अगर आप दो टीम्स के साथ जाना चाहते हो, तो एक में आप फेलिक्स ले लो, एक में इसको ले लो बैकअप के साथ, ठीक है। एंड आगे से बात करें, इल्के गुंडोगन जब तक मैनचेस्टर सिटी में था तब तक बहुत अच्छा था, इसका भी यही कहूँगा, ठीक है। जब तक ये मैनचेस्टर सिटी में था, इसने खूब नाम कमाया, इसने अलग अलग गोल्स किए, इसने वो चीज़ें करके दिखाई जो हम शायद देख भी नहीं सकते थे। ये हाफ टाइम से पहले फ्रंट साइड पे गोल करता था, मुझे याद है इसकी मैनचेस्टर सिटी की गेम प्ले। लेकिन वो वाला फ्री, मतलब जो मिलता है ना एकदम, मतलब जैसे फ्री माइंडेड गेम, वो नहीं खेली इसने, तभी थोड़ा दब के खेल रहा है। और रफीना की बात करूँ तो देखिए, रफीना वापसी कर चुका है, तो इसको मैं ज़रूर लूँगा। और अपोजिशन टीम की बात करें, देन गार्सिया, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन, पिछले मैच के अंदर खास नहीं चला, लेकिन जब आता है अपनी पे तो देखता नहीं है क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। और एक प्लेयर जो इनका भाई सब खतरनाक खिलाड़ी है, विक्टर, आप किसी को भी छोड़ देना लेकिन विक्टर मत छोड़ना। मेरे को पता है आप मेरी टीम में एक दो बदलाव करते हो, बदलाव करना गलत नहीं है, मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर आप एक दो चेंज करके मेरे से 50-60 पॉइंट ज़्यादा ला रहे हो तो इसमें गलत ही क्या है, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन इसको मत निकालना, ये मैं मना कर रहा हूँ आपको, ये छूटा तो गेम छूट गई। और मोरेरा की बात करें, हाँ एस मोरेरा बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसका गोल आने को में भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इतने प्लेयर हम नहीं ले सकते, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे भाई इतने प्लेयर देख देख के, तो हमें कहीं तो संतुष्ट रहना पड़ेगा। एंड आगे से बात करें, जुआओ कैंसेलो को लूँगा, जुआओ कैंसेलो इज़ अ गुड प्लेयर, आई एम गोइंग विद दिस प्लेयर। उसके बाद जूल्स की बात करें तो यहाँ पर मैं जूल्स के साथ जाऊँगा, डिफेंडिंग तो इनकी अच्छी है। जूल्स के बाद बैल्डे खेल गया, तो इस जैसी तो चीज़ ही नहीं है, मैं बैल्डे का वेट कर रहा हूँ कब खेलेगा, ठीक है, अभी इसको ले लेते हैं। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है हमारी टीम में गिरोना का गोल कीपर, जिसका नाम है पोलो गैजानीगा, ठीक है, इसके साथ जाएंगे। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम का रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, वाइस कप्तान जो हमारी टीम का रहने वाला है वो इन्हीं, मतलब वो होगा तो देखो शायद बार्सिलोना का ही, जो कि है फेलिक्स, लेकिन फेलिक्स पे ट्रस्ट इशू है मेरे को, तो अगर आप चाहो तो टॉपिक को भी रख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।